आपके लिए जब रिश्वत का रास्ता खोला जाता है और मुजरिम अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए जमीर खरीदने की कोशिश करता है, तो वो एक सख्त इम्तिहान होता है। उस वक्त उस मुकाम पे खड़ा रहना और अपने जमीर का सौदा ना होने देना, ये वो सरखुरुई है और ये वो कामयाबी है कि जो आपको मीठी नींद भी देगी, आपको करारे बातन भी नसीब करेगी और सबसे बड़ी बात, कयामत के दिन हुजूर की शफ़ात भी नसीब फरमाए। मैं और आप जो लिखा हुआ रिज्क है वो पाते हैं। अब उस लिखे हुए मकसूम रिज्क को हासिल करने के लिए हम चाहे जायज़ रास्ता इख्तियार कर लें, चाहे हम नाजायज़ रास्ता इख्तियार, ये हमारा इख्तियार है और उसी इख्तियार पे हमें पकड़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स अगर नाजायज़ फरोशी ना करता, दो नंबर काम ना करता तो इतना अमीर नहीं हो सकता था। यार, हलाल के रिज़्क़ से तो बमुश्किल वक्त गुजरता है, ये एक तासुर है, ऐसा नहीं है। जो मकसूम है वो मिल के रहता है। दौलत कारून हासिल ना की जाए, दौलत उस्मान हासिल की जाए। जो किस्मत में लिखा है वो हर सूरत मिलता है और वो मिलेगा, वो हमारी किस्मत में लिख दिया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने रिज़्क़ को, अपने मुकद्दर के मकसूम को हासिल करने के लिए खूबसूरत तरीका इख्तियार करो। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें हलाल रिज़्क़ के जो वसाइल नसीब फरमाए हैं और उसमें जो बरकत रखी है, देखो कसरत कोई चीज़ नहीं होती, बरकत बड़ी चीज़ होती है। तो अमूमी तौर पे आज की इस दुनिया के अंदर, चूंकि ये मसला किसी एक तबके का नहीं है, ये दौड़े लग गई है, सवेर से शाम तक हर शख्स मालो दौलत की दौड़ के अंदर हर हलाल हराम की तमीज़ छोड़े हुए है। जबकि हमारे आका व मौला ने हमें रिस्क हलाल इख्तियार करने की ना सिर्फ तलकीन की बल्कि हराम से बचने की इस शिद्दत के साथ तलकीन की कि अगर किसी शख्स के बतन में हराम का लुकमा जाता है तो उसकी जो कम से कम उसको सज़ा मिलती है वो ये है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। बल्कि उलमा ने लिखा है इस ज़िमन में कि अगर मेरा रिस्क पाक नहीं है, आपका रिस्क पाक नहीं है, तो मेरी और आपकी दुआ तो कबूल नहीं होगी, नेक लोगों की दुआओं से भी हिस्सा निकाल दिया जाएगा। अल्लाह के नेक बंदे तो सारी उम्मत के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह पूरी उम्मत की खैर फरमा, लेकिन नेक लोगों की दुआओं का जो हमारे लिए बतौर उम्मत हिस्सा बनता है वो निकाल दिया जाता है अगर हमारे रिस्क के अंदर पाकीज़गी नहीं है, हमारे रिस्क के अंदर, हमारे तोमा के अंदर हिल्लत नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है जिसका हमें हर सूरत के अंदर एहतमाम करना होगा ताकि हमारी नस्ल भी पाकीज़ा हो और उनकी आखिरत भी बेहतर हो। चूँकि रिस्क हलाल से पला हुआ जिस्म और रिस्क हराम से पला हुआ जिस्म दोनों में फ़र्क है और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमें हलाल रिस्क कमाने की न सिर्फ तलकीन की है, हराम से बचने की सख्त ताकीद की। हमारे बुज़ुर्ग और सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स रिस्क की पाकीज़गी का अहतमाम नहीं करता तो उसका बातिन कभी भी रोशन नहीं हो सकता, हत्ता कि उसके ज़मीर को मरते हुए भी देर नहीं लगती है। तो मुझे भी, आपको भी और पूरी कौम को हमें पाकीज़ा रिस्क को इख्तियार करने के लिए तगोदो, तरद्दद, कोशिश और मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह की तरफ से दिए गए थोड़े रिस्क पर तवक्कुल सीखना चाहिए। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान सुनिए, आप निहाल हो जाएंगे कि मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। कि बासकत ऐसा होता है कि इंसान दाएं बाएं देखता है कि अतराफ के अंदर लोग मौज कर रहे हैं और मैं भी उसी मनसब का शख्स हूं, लेकिन मैं रिस्क हलाल की तलाश में मैं बहुत पीछे रह गया हूं। तो सुनिए उसका कितना बड़ा वादा मेरे हुजूर ने दिया जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिस्क पर राज़ी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पर राज़ी हो जाएगा। जब आप अफसर बने तो आप जिन दिनों में पढ़ते थे, जिन दिनों में तैयारी करते थे इम्तिहानात की, तो दिन रात एक था, शादियां भी छोड़ देते थे, खुशियां भी छोड़ देते थे, नींद भी पूरी नहीं होती थी, खाना भी बाज़ का ठंडा हो जाता था। क्यों? आपकी एक मंजिल थी कि हम, मैं उस मंजिल को हासिल करने के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। तो आज आपके कंधों के ऊपर ये जो फूल लगे हैं, ये आपका एज़ाज़ है, ये आपकी तकरीम है, मुआशरा आपको इज़्ज़त देता है, तो ये आपकी उस मेहनत का नतीजा है। वो बवाई के मौसम में आपने बीज बोए थे, आज उसकी फसल काट रहे हैं। इसी तरह ये दुनिया बवाई का मौसम है सारा, आखिरत कटाई का मौसम है।
ये सारी जिंदगी है कितनी, 50 साल, 60 साल, 70 साल कितनी होगी, यही जिंदगी है। और आखिरत का एक दिन 50,000 साल का है, कुरान बताता है, 50 साल का नहीं, 50-100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन। उस जिंदगी के मुकाबले में इस 60 साल 50 साल की जिंदगी को रखो, जिसमें बुढ़ापे के धक्के भी हैं, बचपन की मदहोशियां भी हैं, तीसरा हिस्सा सो के भी गुजारा है, 17-18 साल जिंदगी बनती है। जब मौत आती है तो उस वक्त बंदा सोचता है यार जिंदगी तो गुजर ही जानी थी, लेकिन उस वक्त हाथ मलने से कुछ नहीं होता।